दोस्तों स्वागत है आपका एजुकेशन हब HRI में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बाइनरी डिजिट की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं के विषय में बताने वाला हूं। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है 111 और 111 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। तो यहां पर 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा, और फिर से 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कट लगा देंगी और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, और फिर से 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। ये तो सिंपल बिल्कुल मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वैसे ही करना है। फिर से 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा, फिर से 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा, और फिर से 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। इस तरह से हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 1 है तो 1 ही आ जाएगा, 1 है तो 1 ही आ जाएगा, 1 1 10। यहाँ पर आप डेसिमल टू बाइनरी ये टेबल मैंने नोट कर दी, इसको देख सकते हैं। जब 1 और 1 आता है यानी ये कितना हो गया 2, तो 2 का मतलब है कितना 10, 10 का यहाँ पर 0 हो जाएगा। 1 1 2 होता है और 2 का जो बाइनरी नंबर है वो 10 होता है, और 10 का मुझे 0 लिखना है। 1 कैरी जो कि यहाँ पर लिख लेना है। अब 1 और ये कैरी, 2 और 3 और 4, 4 यहाँ पर 100 है, 4 डेसिमल नंबर 4 का बाइनरी नंबर 100 होता है, तो 100 का यहाँ पर 0 आ जाएगा और कैरी इसमें 10 होंगे तो 10 कैरी यहाँ लिख लेंगे, तो 0 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, ये कैरी इसका आ गया। अब 1 और 1 10, 10 का 0 होता है, और 1 कैरी यहाँ लिख लेंगे फिर से, तो ये 1 1 1 3, 3 का 11 होता है। अब यहाँ पर पूरा 11 लिख दिया जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है, ये इसका आंसर है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई 1 में ही करना है तो 1 ही आता जाएगा, जितने 1 यहाँ पर दिए गए हैं उतने ही 1 यहाँ आ जाएंगे, 4 1 है तो 4 1 आ जाएंगे, तो हम पहले 4 1 लिख लेंगे, एक क्रॉस लगाएंगे और फिर से इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इससे मैंने मल्टीप्लाई कर ली, अब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो 1 से मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो फिर से 4 1 आ जाएंगे, तो यहाँ पर हम 4 1 फिर से लिख लेंगे। सिंपल मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वैसे ही करना है। यहाँ फिर से एक क्रॉस लगाएंगे और अब इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 4 1 यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1 1 1 1 यहाँ पर इतना आ जाएगा। अब फिर से एक बढ़ाकर क्रॉस लगाएंगे तो यहाँ पर 3 क्रॉस आ जाएंगे, और फिर इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 1 आ जाएगा यहाँ पर, 1 1 1, और ये एक 1 यहाँ पर आ जाएगा। और अब मुझे यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से, और इसको ऐड कर देना है, ये। तो अब यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करना है तो ऐड करेंगे, तो इसका मतलब है कि 1 तो 1 ही रहेगा, 1 1 ही रहेगा, 1 1 कितना होता है 2, और 2 का जो बाइनरी नंबर है वो 10 होता है, तो 10 का यहाँ पर 0 आ जाएगा, कैरी 1, तो कैरी इसको दे देंगे, तो यहाँ पर कैरी आ गया 1 2 3 4, तो 4 400 होता है, तो 100 का यहाँ 0 आ जाएगा, और कैरी कितने बचेंगे यहाँ पर, 0 मैंने लिख लिया है, बचे 10, तो 10 का मतलब 0 यहाँ कैरी और 1 यहाँ कैरी आ जाएगा, ये। अब इसको ऐड करेंगे 1 2 3 4, 4 का मतलब फिर 100, 100 का मतलब 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर कैरी 10, तो 10 का मतलब यहाँ 0 और यहाँ 1, इस तरह से हम, ये हो गया 0, ये 1 10, मैंने कैरी यहाँ लिख दिया। अब फिर से 1 2 3 4, 4 का मतलब 100, तो फिर से यहाँ पर 0,
कैरी फिर से 10, तो यहाँ 0 यहाँ 1। अब फिर से इसको ऐड करेंगे 1 2 3, 3 का मतलब 11, 11 का मतलब यहाँ पर 1, कैरी 1। अब इनको फिर से ऐड करेंगे 1 2 3, 3 का मतलब 11 यहाँ लिखा हुआ है, 3 का मतलब 11 यानी यहाँ पर 11 लिख देंगे। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये इसका आंसर है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, ये मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आए हैं, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।